थैंक्स फॉर अतुल कुमार सर, जो तुमने शाहरुख खान को सिर्फ 100 करोड़ देके उनसे 2 रोल करवा लिए जवान मूवी में। वेल दोस्तों, जवान मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और दोस्तों यार, जो हमने सोचा था उससे ज्यादा ही 2 मिनट 13 सेकंड के ट्रेलर में हमें देखने को मिला है। वेल दोस्तों, शाहरुख खान के इस मूवी में 2 रोल होने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियली रिपोर्ट। और दोस्तों, पहला रोल होने वाला है जो कि हमें ट्रेलर में देखने को मिला था, वो था पुलिस का। और दोस्तों, दूसरा रोल तो उन्होंने लास्ट में बता ही दिया था कि जब मैं विलन बनता हूँ तब मेरे सामने कोई हीरो नहीं टिकता। मतलब यार, जब उन्होंने पट्टी हटाई थी तब उनका ये विलन वाला लुक कितना खतरनाक था। सच बताऊं तो मैंने पहली बार उनका ऐसा लुक देखा है, मतलब यार क्या लग रहा है। वेल दोस्तों यार, इसका एक्शन ट्रेलर काफी मस्त था, लेकिन दोस्तों इसमें भी एक बहुत मस्त ट्विस्ट था, वो शायद बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि जब शुरू में शाहरुख खान कहते हैं कि मैं कौन हूँ, कौन नहीं पता नहीं, माँ को किया एक वादा हूँ, मैं अधूरा एक इरादा हूँ। मतलब यार, इस डायलॉग से हमें पता लग रहा है कि उन्होंने KGF मूवी की तरह, जैसे KGF में रॉकी ने अपने माँ से वादा किया था कि माँ एक दिन में दुनिया का सारा सोना ला दूंगा, वेल दोस्तों SRK ने भी अपनी जवान मूवी में अपनी माँ से शायद यही वादा किया होगा। लेकिन दोस्तों यार, कुछ भी कहो, SRK का एक्शन तो भाई साहब बहुत ही मस्त है। और दोस्तों यार, मेरे हिसाब से इसमें विलन होने वाले हैं विजय सेतुपति सर, जो कि प्रभास की सलार मूवी में भी होने वाले हैं। अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो लिंक उसका आपको आई बटन में मिल जाएगा। वेल दोस्तों यार, इसमें दीपिका पादुकोण भी हैं, जिन्होंने भाई साहब इस मूवी में थोड़ा एक्शन करके इसके ट्रेलर की हाइप बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी है। लेकिन दोस्तों, इसमें सनाया मल्होत्रा भी हैं, जो कि भाई साहब लास्ट में हमें SRK के साथ देखने को मिलती हैं जब वो विलन बन जाते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी कास्ट में विजय थालापति सर भी हैं, जिनको भाई कहीं से कहीं तक नहीं दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसकी कास्ट में संजय दत्त भी हैं। मतलब भाई, इन्होंने असली विलन को तो दिखाया है नहीं, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो वही है जो कि भाई हमें KGF 2 में देखने को मिला था, क्या लुक था उनका। और दोस्तों यार, इसमें सुनील ग्रोवर भी हैं, जिनका भाई साहब साइड रोल हो सकता है। वेल दोस्तों यार, इस मूवी में रिद्धि दोगरा भी हैं, जिन्होंने भाई साहब असुर वेब सीरीज में क्या खतरनाक एक्टिंग की थी। और दोस्तों यार, इसमें मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ SRK के डबल रोल देखने को, कि वो कैसे विलन वाला रोल करते हैं, क्योंकि यार उनके लास्ट के डायलॉग ने भाई साहब तहलका मचा दिया है। अब दोस्तों यार, बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो देखो यार, इसका बजट है 220 करोड़, और इस मूवी के सॉन्ग राइट और थ्रेटिकल राइट और जो बाकी OTT राइट्स होते हैं उन सबको बेच के इस मूवी ने ऑलरेडी 250 करोड़ कमा लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ऑलरेडी 30 करोड़ प्रॉफिट में चल रही है भाई साहब, ये होती है SRK की पावर। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 18 मिनट के अंदर इस मूवी के ट्रेलर पे 2 लाख से भी ज्यादा लाइक हो गए थे। मतलब यार, आप सोच ही सकते हो कि इस मूवी के सभी लैंग्वेज वाले ट्रेलर पे 1.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज 100% आएंगे। वेल दोस्तों यार, इस मूवी का ट्रेलर ओवरऑल मुझे काफी अच्छा लगा और मैं दूंगा भाई इसे 5 में से 5 स्टार। तो दोस्तों यार, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।